अल्लाह पाक के मुकद्दस और प्यारे नाम से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूं और आप सब की सलामती की दुआ करता हूं। रिस्पेक्टेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में आपके सामने एक मेल और फीमेल रिश्ते की डिटेल के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक फीमेल रिश्ता डिस्कस कर रहा हूं, जो कि एक कॉलेज प्रोफेसर हैं और दोनों ही कॉलेज पर प्रोफेसर हैं, लड़का भी और लड़की भी। लड़की हैदराबाद सिंध से है और कराची में जॉब करती हैं, और लड़का बेसिकली रावलपिंडी का है और इंग्लैंड नेशनलिटी होल्डर है और लंदन में जॉब करता है। तो ये दोनों की डिटेल मैं आपके सामने बारी बारी पेश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक मेरी गुजारिश आपके लिए, मैं हर वीडियो में कोई ज़रूरी बात लाजमी अटैच करता हूँ ताकि किसी बहन भाई की इसलाह हो जाए। सबसे पहली बात मर्द हज़रात के लिए, देखें ये ख़वातीन, ये लड़कियाँ जिनके रिश्ते की डिटेल मैं आपके सामने रोज़ाना पेश करता हूँ, ये भी आपके और मेरे घर की बाइज़्ज़त ख़वातीन की तरह है। इनके ऊपर गलत कमेंट ना किया करें, इनके बारे में गलत ना सोचा करें। रिश्ता तलाश करना हर बहन बेटी का हक है। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ बहन भाइयों को ये सजेशन देता हूँ कि अपने घर में जो शादी की मुंतज़िर बहन बेटियाँ बैठी हैं, उनका अल्लाह से डरते हुए उनका फ़र्ज़ अदा करें, उनका निकाह करें। और दूसरी बात ये कि निकाह आसानी से करें, सादगी से करें, इसको मुश्किल ना बनाएं, और हर बहन बेटी को उसकी पसंद के मुताबिक रिश्ता ढूंढ के दें, उसको ये मौका दें, उसको ये आज़ादी दें कि वो अपने लिए रिश्ता पसंद कर सके। ये उसका जायज़ हक है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो ये फीमेल रिश्ता मेरे सामने हैदराबाद से कॉलेज प्रोफेसर एक लड़की है, डॉक्टर लड़की है, नाम इनका समीना है, उम्र इनकी 25 साल है, तालीम इनकी MBBS और FCPS है, और ये कराची में जॉब करती हैं। इनके अब्बू कैश एंड कैरी का बिज़नेस करते हैं और इनकी अम्मी हाउसवाइफ हैं। दो भाई इनके शादीशुदा हैं, एक छोटी बहन इनकी कुमारी है। पूरी फैमिली इनकी हैदराबाद में रहती है और ये लड़की प्रोफेसर समीना ये कराची में रहती है। इनकी डिटेल और तस्वीर आपके सामने है, ओरिजिनल तस्वीर 100% सच पे, मैं अपनी डिटेल लगाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं हर रिश्ते के साथ हमेशा ओरिजिनल तस्वीर लगाता हूँ, ताज़ा तस्वीर लगाता हूँ। किसी के साथ कोई गलत बयानी नहीं करता, कोई धोखादही नहीं करता, किसी के साथ गलत बयानी, झूठ वगैरह बिल्कुल भी मैं नहीं बोलता। जो मेरे नसीब का रिज्क है अल्लाह ताला मुझे दे रहा है और मेरी औकात से भी ज़्यादा दे रहा है। आप लोगों की आसानी के लिए ये रिश्ता सर्विस मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 6 साल से चला रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं अब तक 1200 रिश्ते करवा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात करना चाहूँ, जैसे ये लड़का मैं आपके सामने रिश्ता पेश कर रहा हूँ लड़के का, तो ये फॉरेन नेशनलिटी होल्डर है, खूबसूरत है, अमीर है, लंदन में रहता है। तो यहाँ पे मैं एक बात करना ज़रूरी समझूंगा, हर ख़वातीन, हर मुअज़्ज़ज़ बहन बेटी मेरी इस बात को गौर से सुन ले। मैं हर रिश्ता मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद लगाता हूँ अपने चैनल पे, अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे आप मेरा लगाया हुआ रिश्ता देखकर अगर रब्ता करें तो इस बात की गारंटी है कि वो आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई आपसे आपको गंदी तस्वीरें सेंड नहीं करेगा जैसे आम लोफर लड़के करते हैं। मैं ये तसल्लियाँ करता हूँ अपनी हर तरह से, और आपके आपकी प्रोफाइल को मिसयूज़ नहीं करेगा, आपका नंबर मिसयूज़ नहीं करेगा। आप रब्ता करें, रिश्ते के लिए बात करें, खुल डुल के करें, तसल्ली से करें, अगले की जांच पड़ताल करें। सारी ज़िंदगी का काम है, सारी ज़िंदगी के लिए आपने घर बसाने के लिए, निकाह करने के लिए आपने रब्ता किया है, आपको गुनाह नहीं कर रही हैं। आप खुल डुल के बात करें। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझूँगा कि जिस लड़के से भी कोई भी मेरी बहन बेटी रब्ता करे तो खुदा के लिए एक लिमिट में रह के रब्ता करें। ऐसी मुझे एक शिकायत मिली है तो उस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ, लड़की अपने ख़ानदान की इज्जत होती है। आप रिश्ता कर रही हैं, रिश्ता तलाश कर रही हैं, आपको अल्लाह ने यह हक दिया है कि आप अपनी पसंद के मर्द से शादी कर सकें, लेकिन पसंद करते करते आप बेहयाई की अदें क्रॉस नहीं करें। किसी भी लड़के के साथ बात करते वक्त इज्जत और शर्म का दामन हाथ से ना छोड़ें, और रिश्ते जैसा अहम काम अपनी फैमिली, अपने घर वालों, अपने वालदैन, अपने घर के बड़ों की मशवरे से करें। जो रिश्ता आप पसंद आए, जिससे आप बात कर रही हैं, उसकी सारी डिटेल अपने घर वालों को बताएं, घर वालों के मशवरे से काम करें, आप सेफ रहेंगी। मैं रिश्ता अपलोड करता हूँ अपनी तसली करके, रजिस्ट्रेशन के बाद रिश्ता अपलोड करता हूँ। जो बंदा झूठ बोलेगा, धोखा देगा, गलत बयानी करेगा या कोई गलत हरकत करेगा, उसकी मैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब्त कर लूँगा। इस धमकी पर मैं ये रिश्ते, मर्दों के रिश्ते अपलोड करता हूँ। बगैर रजिस्ट्रेशन के कभी भी कोई रिश्ता मैं अपलोड नहीं करता, क्योंकि मुझे आप सब बहन बेटियों की इज्जत का एहसास है। मैं अपनी रोजी कमाने के चक्कर में किसी की बहन बेटी की इज्जत दाव पे नहीं लगा सकता। मेरी बात को वजह से समझिए, मैं अपनी तसली पूरी कर लेता हूँ, लेकिन दिलों का हाल अल्लाह जानता है, वो मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि जो बंदा मेरे सामने मोमन बन रहा है, हाजी बन रहा है, शरीफ बन रहा है और ज़रूरतमंद अपने आप को शो कर रहा है, अल्लाह जाने अंदर से कैसा है। कल को बुरा भी निकल सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये जो इतना अहम काम है, ये आप अपने वालदैन के मशवरे से करें, अपने घर के बड़ों के मशवरे से करें। उनकी इज्जत पर कभी भी धब्बा ना लगाएं। अमीर खूबसूरत लड़का देख के उसकी बातों में आकर चिकनी चुपड़ी लच्छेदार बातें सुन के अपनी इज्जत ना गंवा बैठे, ये मैं
अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर वजाहत से ये बात कर रहा हूँ, मुअज्जल ख्वातीन जिस बंदे से भी रिश्ते के लिए बात करें सिर्फ रिश्ते तक महदूद रहें, उसको कहें अपनी डिटेल बताएं, अपने हालात बताएं, अपने घर के सारी तफसील आपको बताएं, आप अपने घर वालों से शेयर करें, डिस्कस करें। अगर आप लोगों ने रिश्ता करना है उसको कहें कि अपनी फैमिली घर भेजें, अपनी फैमिली आपके घर भेजें, या आपके घर के बुजुर्गों को अपना घर दिखाएं, अपने घर के बड़ों से मिलवाएं। ये है जैन तरीके का। अगर कोई लड़का आपको कहता है कि बस जी आप आज से मेरी बीवी हो गई, मैं आपका शौहर हो गया और बस ठीक है, आप मेरे लिए ऐसी तस्वीर भेज दें, ऐसी तस्वीर भेज दें, ऐसे वीडियो कॉल पे आ जाएं, ऐसे कर लें, ठीक है वीडियो कॉल पे बात करें, अपने घर के बुजुर्गों की भी करवाएं, खुद भी कर लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई गलत तस्वीरें गलत अंदाज में वीडियो कॉल पे आप किसी लड़के की बातों में आके फंस जाती हैं और उसके चक्कर में अपनी इज्जत गंवा बैठती हैं, मेरी बात को प्लीज़ तवज्जो से समझिए, ये इंतहाई ज़रूरी बात है। तो अगर आप गुनाह के रस्ते पर चल पड़ती हैं तो मैं आपके इस काम से बरी जुम्मा हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं ये रिश्ते नेक नीति से लगाता हूँ, मैं ये रिश्ते इसलिए लगाता हूँ कि हर बहन बेटी का घर बस जाए, हर ज़रूरतमंद बंदे को रिश्ता मिल जाए और मेरी भी रोज़ी रोटी का सिलसिला चलता रहे। मैं इस वजह से लगाता हूँ, इस नीयत से लगाता हूँ। अगर कोई लड़का या कोई लड़की आपस में गलत तलक बनाते हैं, या कोई ऐसे वैसे कोई गलत हरकतें करते हैं, या कोई गंदी तस्वीरें शेयर करते हैं, या कल को कोई लड़की इज्जत गंवा बैठती है, या कोई अपना सारी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है किसी के चक्कर में आके, घर से निकल के किसी के प्यार में पागल होके वो उसके पीछे चली जाती है अपने घर वालों को बताए बगैर, तो ऐसे किसी जुर्म का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपके सामने मैं हर बात खोल के करता हूँ, लिहाजा मेरी बातें ज़रा खुरदरी होती हैं, कड़वी होती हैं, लेकिन मैं संजीदगी से ज़रूरी बात कह जाता हूँ किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मेल रिश्ता आपके सामने मैं रख रहा हूँ, लंदन से इंग्लैंड नेशनलिटी होल्डर है, कॉलेज प्रोफेसर लड़का है, नाम इनका बाकर है, उम्र इनकी 30 साल है, तालीम इनकी डबल मास्टर है, कद इनका 5 फुट 10 इंच है, ज़ात इनकी गोंदल जट है और 2 छोटी बहनें इनकी कुंवारी हैं, 1 बड़ा भाई इनका शादीशुदा है, अबू इनके गवर्नमेंट जॉब करते हैं पाकिस्तान में और इनकी अम्मी घरेलू खातून हैं, सारी फैमिली रावलपिंडी में रहते हैं और बाकर साहब अकेले लंदन में रहते हैं, शादी के बाद अपनी होने वाली बीवी को लंदन में साथ लेके जाएंगे। ये लड़का तलाकशुदा है, इसकी पहले शादी हुई थी, चंद दिन बाद इतलाक हो गई थी, वो फैमिली मैटर था। तो बीवी को अपने साथ ही लंदन में लेके जाएंगे। रबते के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप इस पर रबा कर सकती हैं। तो मुअज्जज़ ख़वातीन और हज़रात, मेरे पास इस तरह के बेशुमार रिश्ते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ज़िम्मेदारी से और मुकम्मल तवज्जो से मेहनत सख्त मेहनत से एक एक रिश्ते को वेरीफाई करके आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा होगा और आप मेरे साथ इंशाल्लाह रिश्ता करवाने के लिए संजीदा होंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मैं ये बात फिर रिपीट कर दूँ, मैं बगैर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के कभी किसी मेल किसी का रिश्ता अपलोड नहीं करता, कभी किसी का रिश्ता किसी से रब्ता नहीं करवाता, किसी से मुलाकात नहीं करवाता बगैर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, एक वजह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बयान भी की है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात से आप एग्री होंगे, मुत्तफिक होंगे और इंशाल्लाह अच्छी नज़र से सच्चे दिल से आप मुझसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको बेहतरीन अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।